पीटी स्कोर कार्ड के बाद, जब स्कोर कार्ड आ गया उसके बाद अब आगे क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यूपी ट्रिपल एससी ने 22,794 वैकेंसी के लिए घोषणा पत्र और कैलेंडर जारी कर दिया है, जो कि ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पर आपको भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि यूपी ट्रिपल एससी ने 22,794 वैकेंसी है, जो कि एक काफी बड़ी संख्या में यूपी ट्रिपल एससी ने वैकेंसीज की घोषणा की है। ये संख्या 30,000 तक जाएगी, लेकिन अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि किन किन वैकेंसियों की घोषणा की गई है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि पीईटी की परीक्षा के बाद जो पहला दिख रहा है 2018, ये कृषि मंडी वाला है, इसकी बात नहीं होगी। सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन की ये भी प्रतियोगात्मक परीक्षा है। तो ये जो पांचवें नंबर कैलेंडर पर पांचवें नंबर में कॉलम दिया है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन, यानी कि पीईटी 2021 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा किसकी होगी, राजस्व लेखपाल की, जिसकी 7,882 वैकेंसियां, राजस्व लेखपाल की 7,882 वैकेंसीज पर यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी 2021 के परिणाम के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता या इसी के समान योग्यता वाले अन्य पदों के लिए 9,212 यानी कि 9,212 पद आयोजित किए गए, और ये दोनों ही परीक्षाएं नवंबर माह यानी 2021 के नवंबर माह में प्रस्तावित है। यानी 2021 का जो आज 30 तारीख हो गई, नवंबर महीने में इनके पेपर होने हैं, और अगर ये मान के चलते हैं कि एक महीने डिले भी हो जाएगा तो सपोज कर लीजिए कि दिसंबर तक ये परीक्षाएं हर हाल में संपन्न हो जाएंगी, तो अपनी तैयारी में कोई ढील मत दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जैसे देखते हैं उसके बाद वैकेंसी नंबर कौन सी है जो कि अपने काम की आएगी। जी हाँ, तो अपने काम की जो अगली वैकेंसी है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो कौन सी आएगी आपको मैं बताता हूं और दिखाता हूं। वैकेंसी नंबर आपको यहां पर कॉलम नंबर 11 दिखाई देगा, जिसमें कृषि प्राविधिक और गन्ना पर्यवेक्षक की समान योग्यता वाले अन्य पदों के लिए भी लगभग 2,500 पद, जिसकी परीक्षा फरवरी 2022 तक संभव है, हर हाल में हो जाएगी, चुनाव से पहले ये सारी चीजें आएंगी। भैया एक चीज तो पक्की होती है, उत्तर प्रदेश में जब कभी भी गरीब की थाली में पुलाव आता है तो समझ लो चुनाव आता है। तो भैया ये भी परीक्षा यहां पर तय है कि ये होनी है। 7,822 राजस्व लेखपाल, 9,212 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सामान पद, 2,500 वैकेंसी हो गई कृषि प्राविधिक या गन्ना पर्यवेक्षक की। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं अगली वैकेंसी की जो इसमें मिलने वाली है, तो उसमें अगर बात की जाए तो अगली वैकेंसी जो होगी, जो मतलब की होगी, जिसको भरा जा सकता है, कॉलम नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉलम नंबर 14, इसमें कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक, जिसे आप जूनियर असिस्टेंट के नाम से समझ जाते हो, जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हो, और ये जो कैलेंडर है ये आपको इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ upssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, आशुलिपिक और इसकी जो वैकेंसी थी ये 2000 वैकेंसी थी और मार्च 2022 में इसका एग्जाम प्रस्तावित है। अगर मैं आगे बात करता हूं पीईटी की परीक्षा 2021 के बाद, एक वैकेंसी और है जो लगभग 1200 जगहों को अपने साथ में घेरे हुए है, और ये है प्राविधिक प्रयोगशाला प्राविधिक और एक्सरे प्राविधिक, यानी कि लैब टेक्नीशियन टाइप की वैकेंसी है, जिसका भी एग्जाम मार्च 2022 में प्रस्तावित है कि ये होना तय है। यानी चुनाव से पहले अगर हम इन सभी को काउंट कर लें तो 7,882 वैकेंसी हो गई किसकी, राजस्व लेखपाल की, 9,212 वैकेंसी हो गई स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, लगभग 2,500 वैकेंसी हो गई गन्ना पर्यवेक्षक की, उसके बाद 2,000 वैकेंसी हो गई जूनियर असिस्टेंट की, और 1200 वैकेंसी इस प्राविधिक वाले की, जो कि कंफर्म वैकेंसी है। ये अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा जाके 27,000, कितना, 4 इधर हो जाएगा, 8, 1, 9 ये हो जाएगा, और 8, 5, 13, 4, 17 के साथ हासिल, ये लगभग 17 के साथ हासिल लगेगा, 1, 9, 10, 7, 17, 17, 2, 21, 23, 24, 24,700 या 22,794 के आसपास वैकेंसी हो जाएंगे। मेरे भाई
इन वैकेंसीज की संख्या बढ़कर 30,000 तक जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, कुछ और वैकेंसी आपके सामने आएंगी। अच्छा, इन सभी के मन में यह डाउट आएगा कि सर राजस्व लेखपाल हो गया या जूनियर असिस्टेंट हो गया या गन्ना प्राविधिक वाला हो गया, इन सब में ट्रिपल सी की जरूरत पड़ेगी या फिर सर इन सब का सिलेबस क्या होगा। इन सभी की जानकारी के लिए मैं आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा। और कुछ जानकारी है जो इसको आपको मैं देना चाहता हूं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने आवेदन की नई प्रक्रिया जो शुरू की उसी का नाम पेट है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। यूपी ट्रिपल एससी ने एक अनाउंसमेंट करी है, जिसे आप अमर उजाला या हिंदुस्तान पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। ये हर साल 15,000 वैकेंसी निकालेंगे। हर साल 15,000 वैकेंसी निकालने के बाद इनका जो मोटो है वो इस प्रकार से है कि पर मंथ दो वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आएंगे, दो वैकेंसी के नोटिफिकेशन आएंगे और दो परीक्षाएं कराई जाएंगी पर मंथ। तो 12 दूनी 24 परीक्षाएं, यानी कि लगभग इस तरीके से होगा कि 15,000 वैकेंसी हर मंथ भरी जाए। साथ ही साथ इसके इस वक्त जो सचिव हैं अग्नोत्री जी, जो यूपी ट्रिपल एससी के सचिव हैं, सचिव अग्नोत्री जी, इन्होंने एक बात बोली है कि यूपी ट्रिपल एससी में धांधली को रोकने के लिए सिर्फ 10 दिन पहले शहर बताए जाएंगे और 72 से 48 घंटे पहले स्टूडेंट को अपने सेंटर का पता चलेगा, ताकि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी एस्पिरेंट वहां के संरक्षक से साठ गांठ ना कर पाए। यानी नकल और धांधली को दूर करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो वैकेंसी की बात मैंने आपसे करी है, इन वैकेंसियों के लिए आगे जो इनकी फुल डिटेल होगी विद सिलेबस, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं उसकी भी जानकारी के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये जानकारी जो है ये आपके लिए एक आनंद का विषय है, क्योंकि इतनी वैकेंसी का एक साथ आना आपके लिए खुशी की बात है। धन्यवाद।